हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं विश करना चाहूंगा आप सभी व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिलीज। एंड मैं होप करता हूं कि 2020 जो वर्ष है वो आप सभी लोगों के लिए, जिस भी काम में आप, जो भी काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए बहुत प्रॉस्पेरस रहे, बहुत सक्सेसफुल रहे एंड आप नई ऊंचाइयां छुओ। वाह वाह वाह, क्या थॉट है बेसाले। एंड बस एक सेकंड और लूंगा फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने चैनल पर एक गोल रखा हुआ है कि 31 दिसंबर की रात खत्म होने से पहले पहले मैं अपने चैनल पर 30,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ। 28,700 के आसपास हो चुके हैं, तो अगर आप अपने एक फ्रेंड से भी शेयर करेंगे तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। प्लीज 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 हेल्प करो मेरी इस टारगेट को अचीव करने में। आज रात खत्म होने से पहले प्लीज 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 30,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो। सो आज की वीडियो में हम एक बार फिर से छेड़ने वाले हैं टॉपिक जो काफी बर्निंग हॉट टॉपिक बन चुका है रिसेंट टाइम्स में, बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग कंसोल्स की जो रूमर्स हैं, जो हाइप ट्रेन है, वो रुक ही नहीं रही है। सो जो लेटेस्ट लीक्स एंड रूमर्स निकल के आए हैं उसके लिए हम थैंक्स बोलेंगे _RoGame का, जो कि एक ट्विटर और रेडिट यूजर है। एंड इस बंदे ने काफी सारे ट्वीट किए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, जिसमें इसने एक तरह से डिटेलिंग करी हुई थी PlayStation 5 के हार्डवेयर की। सो जो भी हार्डवेयर मेनियक्स हैं उन्होंने कैलकुलेशन करी, एंड अगर हम रॉ GPU पावर की बात करें PlayStation 5 की, तो निकल के आती है लगभग 9.6 टेराफ्लॉप्स, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी क्रिटिक्स को, बिकॉज हम सब ने एक्सपेक्ट किया था कि PlayStation 5 और नेक्स्ट जन एक्सबॉक्स दोनों की ही जो GPU पावर है वो अराउंड 12 टेराफ्लॉप्स होनी चाहिए। अब ये कहीं भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, किसी ने भी ऑफिशियली क्लेम नहीं करा था इस चीज को, बट अगर हम फिल स्पेंसर की माने जो कि एक्सबॉक्स के बॉस हैं, उन्होंने बहुत बोल्डली ये बोला था स्टेज पर आकर कि जो नेक्स्ट जन एक्सबॉक्स होगा वो करंट जनरेशन एक्सबॉक्स 1X से 2 times पावरफुल होगा। और अगर हम करंट जनरेशन एक्सबॉक्स 1X की बात करते हैं तो उसकी GPU पावर 6 teraflops के आसपास है। सो इस कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत सिंपल मैथ्स हो जाता है, एंड 6 × 2 = 12। तो 12 टेराफ्लॉप्स की पावर होनी चाहिए थी नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स की, बिकॉज इसलिए नहीं कि सोनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बट इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि दोनों ही ब्रांड्स नेक्स्ट जनरेशन में, अपनी नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स में नावी GPUs और AMD के Zen 2 आर्किटेक्चर पर बेस्ड CPUs को यूज करने वाले हैं, एंड दोनों का हार्डवेयर बिल्कुल सिमिलर होने वाला है। तो हम सब ने ये जज कर लिया, हम सब ने ये स्पेकुलेट कर लिया कि यार ऑब्वियसली जब एक्सबॉक्स नेक्स्ट जनरेशन एक्सबॉक्स की पावर 12 टेराफ्लॉप्स के आसपास होगी GPU पावर, तो जाहिर से बात है कि नेक्स्ट जनरेशन प्लेस्टेशन की पावर भी वो 12 टेराफ्लॉप्स के आसपास होनी चाहिए, इफ नॉट एग्जैक्टली द सेम। बट अब इस लीक के बाद काफी सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए हैं कि यार सोनी ऐसा क्यों कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन कंसोल जो है वो एक तरह से उनका मास्टर कार्ड होना चाहिए, एंड अगर वो उसमें कुछ मैसअप कर देते हैं एंड कुछ लैग बिहाइंड कर लेते हैं एक्सबॉक्स से, तो डेफिनेटली वो फेल हो सकते हैं एंड नेक्स्ट जनरेशन कंसोल की जो वॉर है वो सीधा सीधा क्लियरली विनर हो जाएगा एक्सबॉक्स का जो नेक्स्ट जनरेशन कंसोल होने वाला है। बिकॉज ऑब्वियसली ऑन पेपर 12 टेराफ्लॉप्स की जो GPU परफॉर्मेंस होने वाली है नेक्स्ट जन एक्सबॉक्स की, वो 9 टेराफ्लॉप्स से तो ज्यादा ही होगी। बट एक बार आप इस टेबल पर नजर डालो, ये थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस है AMD की तरफ से आने वाले लेटेस्ट GPU 5700XT की, एंड आप देख सकते हैं कि क्लियरली जो इसके थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस है वो 9.754 टेराफ्लॉप्स है टू बी प्रिसाइज, वो भी एट 2 GHz, जो कि सेम स्पेकुलेट किया जा रहा है PlayStation 5 के बारे में एंड इन लीक्स की वजह से। बट एक बात मैंने अपनी वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में भी बोली थी कि फिल स्पेंसर ने एक बार स्टेज पर आकर ये एक्सेप्ट किया था कि हम मानते हैं कि जो करंट जनरेशन ऑफ कंसोल्स है, खासकर Xbox One S को अगर हम कंपेयर करें PlayStation 4 Slim से, तो उसकी जो रॉ पावर है अगर ऑन पेपर बात करते हैं तो वो एक्सबॉक्स से ज्यादा है। एंड भाई इतना ही नहीं, अंडर पावर्ड होने के साथ साथ एक्सबॉक्स 1S लॉन्च के टाइम पर PlayStation 4 से काफी महंगा भी था, तो एक तरह से जस्टिफाइड ही नहीं हो रहा था वो प्राइस पॉइंट जो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स 1S के लिए सेट किया था। अगर आप एक चीज महंगी बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें हमें स्पेसिफिकेशंस और पावर भी ज्यादा दो, बट ऐसा केस नहीं था। एंड ये बात फिल स्पेंसर ने स्टेज पर आकर एक्सेप्ट करी है, अपनी गलती एक्सेप्ट करी है, एंड उन्होंने ये बोला है कि हम इस बात से सीख ले रहे हैं और हम आपको ये बात प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंसोल्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो दो चीजें टारगेट कर रहे हैं, एक तो ये कि जो रॉ परफॉर्मेंस पावर होने वाली है वो PlayStation 5 से ज्यादा हो, एंड जो प्राइस पॉइंट होगा वो PlayStation 5 से कम होगा। हेंस मैंने जो वीडियो का टाइटल है इसलिए चूज किया है कि क्यों ऐसा हो सकता है कि आप एट लॉन्च यानी कि हॉलीडे 2020 में Xbox सीरीज X की तरफ ज्यादा टिल्ट हो बजाय PlayStation 5 के। नॉट बिकॉज दोनों में से कोई एक कंसोल बेटर होगा, बट इसलिए क्योंकि Xbox सीरीज X का जो भी कंसोल PlayStation 5 के साथ लॉन्च होगा वो हो सकता है कि एक बेटर परचेज चॉइस हो रादर देन द PlayStation 5। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि Xbox ने अभी रिसेंटली काफी बड़े बड़े स्टूडियोज भी एक्वायर करे हैं, जैसे कि इन एक्साइल एंटरटेनमेंट और ऑब्जिडियन एंटरटेनमेंट, जो कि मास्टरमाइंड्स हैं वेस्टलैंड और फॉलोआउट जैसी गेम्स के पीछे। तो इसका मतलब साफ है कि हम काफी अच्छे टाइटल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं Xbox सीरीज X से। अगर हम करंट जनरेशन कंसोल्स की बात करते हैं तो ये काफी ऑब्वियस फैक्ट
लगता है कि PlayStation 4 एक ज्यादा सक्सेसफुल कंसोल रहा है Xbox One S और One X से, एंड इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन जो माना जाता है, जो मेन रीजन माना जाता है, वो है टाइटल्स यानी कि गेम्स। अगर Xbox Series X के किसी भी कंसोल का प्राइस सिमिलर पावर्ड PlayStation 5 के कंसोल के प्राइजेस से कम होता है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि जो PlayStation फैन बॉयज भी हैं या फिर जो PlayStation लवर्स हैं वो भी Xbox की तरफ टिल्ट हो सके। एंड दूसरी चीज, अगर माइक्रोसॉफ्ट कामयाब हो जाता है PlayStation 4 के एक्सक्लूसिव टाइटल से ज्यादा अच्छे टाइटल्स लेके आने के लिए, एंड वो भी लॉन्च के टाइम पर, जो कि सिर्फ Xbox Series X के कंसोल लाइनअप के लिए एक्सक्लूसिव होंगे, तो एक तरह से ऑब्वियस चॉइस हो जाएगी Xbox Series X की तरफ टिल्ट होना उन लोगों के लिए भी जो PlayStation फैन बॉयज है। सो दिस इज इट गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बट मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि PlayStation 5 दोबारा से खड़ा हो पाएगा और फाइट बैक कर पाएगा Xbox Series X के अगेंस्ट या फिर नहीं। एंड जाने से पहले एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए adios।